नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साग की हांडी को कितना भी धोया मजा जाए, उस पर लगी कालिख जल्दी से उतरती नहीं है, और अगर उतर भी जाए तो अपने होने के निशान वह जरूर छोड़ जाती है। पिछले साल अक्टूबर में जब पेरिस स्थित FATF ने एक्शन लेते हुए पाक को ग्रे लिस्ट में डाला था, तब बड़ी राजनीतियां हुई थी। खासतौर से चीन ने अपने इस दोस्त मुल्क के बचाव में सारे हथकंडे इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को फरवरी 2019 तक के लिए समय सीमा दी गई थी। इसके लिए पाकिस्तान को 27 बिंदु पर खरा उतरने की सलाह FATF ने दी थी। इसी हफ्ते से पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है, यानी बीजिंग में होने वाली FATF की बैठक में फैसला किया जाएगा कि उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना है या फिर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस बैठक से पाकिस्तान की हालत साग की हांडी जैसी हो गई है। वह ब्लैक लिस्ट नहीं भी हुआ तो उस पर कालिख तो लगी ही रहेगी, जिसका फायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए उसका FATF की किसी भी सूची में होना भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। इस वक्त भारत की तरफ से FATF पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का भारी दबाव है। इमरान इसको लेकर ज्यादा चिंतित है, शायद इसीलिए दावोस में वे अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए भी थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस मामले में अमेरिका भी भारत की मदद कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरह FATF के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए बिलबिला रहा है। यदि वह ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबरने में काफी मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिल सकता है, जिसका फायदा वह भारत के खिलाफ नए जमूरों को भर्ती करने में उठा पाएगा। इसलिए भारत बार बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और FATF की तमाम बैठकों में दुनिया को आगाही करता रहा है, पर चीन का वरदस्त पाकिस्तान को बचाने की जुगत में है। ऐसे में बीजिंग में शुरू होने जा रही बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान पर इस बार FATF का क्या फैसला आएगा। वह ब्लैक लिस्ट होगा, ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, या फिर FATF के चुंबल से निकलने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो उसने 8 जनवरी को 650 पेज की एक रिपोर्ट FATF को सौंपी है। इस रिपोर्ट में उसकी कार्रवाई का ब्यौरा है। इस रिपोर्ट में FATF द्वारा उठाए गए उन 150 सवालों के जवाब पाकिस्तान ने दिए हैं, जिनकी वजह से उस पर ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटक रही है। उसने बताया है कि अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक मनी लॉन्ड्रिंग और जमूरों को पनपने से रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। वैसे यह एक मदरसा रिपोर्ट है, जिसमें झूठ और चालबाजियों का मिश्रण है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बदला है, यहां के मदरसों में अब भी जमूरे तैयार हो रहे हैं, जबकि हाफिज कड़ी सुरक्षा के बीच मजे मार रहा है। बाहर हाफिज का लौंडा NIT की कमान संभाल चुका है। सीमा पार से भारत में घुसने को जमूरे अभी भी बेताब हैं, पर इसके बावजूद चीन का पूरा जोर इस जमूरा मुल्क को बचाने में लगा हुआ है। चीन फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समर्थन वाली इस संस्था के अध्यक्ष पद पर है, जबकि एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए सह अध्यक्ष है। कल ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग स्वांग ने यह कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के प्रयास प्रशंसा लायक है। इसका मतलब यह है कि भारत की वह बात अब खरी उतर रही है, जिसमें उसने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को राजनीति से दूर रखना जरूरी है। यानी चीन इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकालने की कोशिश में है, क्योंकि चीन ऐसे बयान देकर पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बना रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से बाहर निकालने के लिए 37 में से 12 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। चीन, तुर्की, मलेशिया जैसे मुल्क उसके पक्ष में है। शेष 9 देशों का समर्थन जुटाने के लिए वह पश्चिमी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है। बैठक में पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान किसी फैसले से पहले ही ग्रे लिस्ट से आजाद होने के ढोल पीट रहा है, जिस पर भारत ने भी सवाल उठाए हैं। पर एक सवाल यह भी है कि क्या भारत का काम केवल सवाल उठाने मात्र से चल सकता है? भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ सख्त स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है? पाकिस्तान और चीन खुलेआम भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार इस मामले में पूर्ववर्ती सरकारों वाला रवैया अपना रही है। जब पश्चिम के ज्यादातर देश हांगकांग और उइगरों के मुद्दे पर चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर भारत की चुप्पी क्या साबित करती है? खुद इमरान खान से दावोस में मीडिया ने चीन के उइगरों पर उनसे सवाल दागे,
पर इसके बावजूद यह सरकार क्यों महात्मा बनी घूमती है। अगर भारत पिछले साल से चीन की इन मुद्दों पर घेराबंदी करता तो आज वह बैकफुट पर जरूर होता। वह कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद तक भी लेकर नहीं गया होता। देश जरूर सोचता है कि इसके पीछे मोदी की कौन सी कूटनीति काम कर रही है। सवाल तो यह भी है कि जब मलेशिया के 2 बयान मात्र से भारत उससे आयातित उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देता है, फिर चीन ने तो उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर भारत की टेंशन बढ़ाई है। यही नीति चीन पर क्यों लागू नहीं होती। मलेशिया से आयातित 30,000 टन खाद्य तेल कोलकाता एवं अन्य बंदरगाहों पर रुका हुआ है, जबकि चीन का घटिया माल भारत में बेरोकटोक दाखिल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर माल बिना उसकी गुणवत्ता की जांच परख के भारत में ठसम ठस भर गया है, जो आने वाले वक्त में कचरे के बड़े अंबार में बदल जाएगा। सवाल तो यह भी है कि जब पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है तो चीन पर किसने हाथ रोके हैं। भारत सरकार चीनी उत्पादों को क्वालिटी जांच में फेल करके भी उन्हें वापस लौटा सकती है। वर्ष 2017 में पाकिस्तान ने ऐसे ही भारत के फूड प्रोडक्ट को जांच में असफल बताकर आयात बंद कर दिया था, जबकि भारत के तमाम निर्यात उत्पाद अंतरराष्ट्रीय कसौटी पर खड़े उतरते रहे हैं। परंतु भारत की मोदी सरकार का चीन के प्रति बर्ताव कभी भी आक्रामक नहीं हो पाया है। जिस दिन सरकार ने अपनी इस नीति में बदलाव किया, इस मुद्दे पर उन्हें बड़ा जन समर्थन मिल सकता है। पर फिलहाल तो मोदी सरकार पाकिस्तान और मलेशिया को ही अपनी अकड़ दिखा रही है। इसके बदले में चीन मजे के साथ भारत को नस्तर लगा रहा है, जिसके छपे हुए निशान देखकर भी हम लापरवाह बने हुए हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।